नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। राइडर्स पिज्जा, लव इन एवरी बाइट, सस्ता और स्वादिष्ट। राइडर्स पिज्जा पर आपको मिलेगी वेजिटेरियन पिज्जा की 15 से ज्यादा वेराइटियाँ, जैसे मार्गरीटा, क्रिस्पी वेज, वेजिटेरियन बाइट, मस्ती टाइम, ग्रीन हाउस, हर्ब एंड स्मोक वेजी, पनीर पैराडाइज, चिल्ली पनीर, अमेरिकन हिट और राइडर्स पिज्जा का स्पेशल राइडर्स चॉइस, और साथ ही वेज बर्गर, शेक, कोल्ड ड्रिंक के लिए आपकी चॉइस के पैक, जैसे आलू टिक्की कॉम्बो, कपल कॉम्बो, मिनी पिज्जा मील, सुपर वेजी बर्गर मील, मिनिया कॉम्बो और फैमिली कॉम्बो। आज ही ट्राई करें राइडर्स पिज्जा, दिल्ली सहारनपुर हाईवे निकट अल्पाइन कॉलेज, थाना भवन, जनपद शामली। हमारे यहाँ होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। अभी ऑर्डर करें अपना पसंदीदा पैक 9058887004, 9068526004। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर लोगों ने धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया, जहां लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शामली जिले की कस्बा थाना भवन में क्लासेस विद एमएमआर कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर फुरकान सर द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें क्लासेस विद एमएमआर के सभी छात्र छात्राओं के साथ साथ कस्बे के जिम्मेदार लोग भी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा फुरकान सर के क्लासेस विद एमएमआर कोचिंग सेंटर के पास सिटी गार्डन से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए वापस सिटी गार्डन पर आकर संपन्न हुई, जहां लोगों ने भारत की आजादी को लेकर अपने अपने विचार रखते हुए देश के अमर शहीदों को याद किया। हमारा इस रैली निकालने का उद्देश्य ये था कि जो 15 अगस्त हम मनाते हैं उसकी जागरूकता लोगों के अंदर हो, जो बिल्कुल इसको मनाते नहीं हैं। आखिर जो देश के शहीद हैं, जो देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए थे, उनके बारे में लोग जान सके, उनकी जो कुर्बानी है वो जान सके, जो गुमनाम कुर्बानी है उनके बारे में लोग जान सके, और सभी से धूमधाम से मनाएं। जो लोग जागरूक नहीं हुए उनको किस तरह जागरूक करें? उन्हें हम अभियान चला रहे हैं, ये भी एक हमारे एक अभियान का हिस्सा था, और फिर हम इसे भी अभियान चलाया था। हमने 13 तारीख से 15 तारीख तक के घर घर जा कर के हमने लोगों को जागरूक किया। तो जैसे मोदी जी ने कहा था 13 से 17 तक कार्यक्रम चलेगा तिरंगा का, उसे किस तरह से आप देखें? हाँ, आगे भी हम यही है कि जो हमसे अभी जो क्षेत्र हमसे छूटा है वो हम अपने बच्चों से और अपने बच्चों के साथ साथ जा करके घर घर इस तिरंगा अभियान और आज़ादी का मतलब लोगों को समझाएंगे। हलचल इंडिया को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।